हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ चैनल प्रेपनेशन। तो आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे 14 और 15 मार्च के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, यवशांग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? यवशांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इस फेस्टिवल को मनाया जाता है ऑप्शन सी, मणिपुर राज्य में। तो ऑप्शन सी मणिपुर इसका सही आंसर होगा। तो ये जो यवशांग फेस्टिवल है, ये 5 दिनों का फेस्टिवल है जो शुरू होता है लामडा के फुल मून डे पे। लामडा यानी कि फरवरी और मार्च का महीना, और वहीं ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं मणिपुर के एथनिक लोग, जिन्हें मैतेई कहा जाता है। और ये फेस्टिवल होली जैसा ही त्योहार है, और वहीं इस फेस्टिवल के दौरान हर रात थाबल चोंगबा डांस किया जाता है, जो कि एक मणिपुर का ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है। और वहीं इस डांस फॉर्म में लड़के और लड़कियां एक खुले मैदान में एक सर्कल बना के डांस करते हैं। बुमचू फेस्टिवल इज रिलेटेड टू विच स्टेट यूटी? बुमचू उत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो संबंधित है ऑप्शन बी सिक्किम राज्य से। ऑप्शन बी सिक्किम इसका सही आंसर होगा। वहीं ये जो फेस्टिवल है 2 दिनों तक चलता है, जो शुरू होता है 14th डे ऑफ फर्स्ट मंथ ऑफ टिबेटन लूनर कैलेंडर, जो पड़ता है ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से फरवरी और मार्च के बीच में। और वहीं इसे सेलिब्रेट किया जाता है टैश हाइडिंग मोनेस्ट्री में। अटुकल पोंगला फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? अटुकल पोंगला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑप्शन डी केरल राज्य में। ऑप्शन डी केरल इसका सही आंसर होगा। वहीं ये फेस्टिवल जो है मनाया जाता है तिरुवनंतपुरम के अटुकल भगवती टेम्पल में, जहां पे लार्ज संख्या में महिलाएं इकट्ठा होके इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है। और वहीं ये फेस्टिवल मलयालम महीने के मकरम कुंभम में मनाया जाता है, जो कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से फरवरी और मार्च के बीच में आता है। वहीं इस फेस्टिवल के दौरान वहां की महिलाएं एक रिचुअल परफॉर्म करती है, जिसका नाम है कप्पू केटू रिचुअल। कप्पू केटू रिचुअल, जिसके तहत जो उस अटुकल भगवती टेम्पल में जो मेन गॉडेस है उनको म्यूजिक डेडिकेट किया जाता है। और वहीं इस अटुकल टेम्पल को वुमेन सबरीमाला भी कहा जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि किस टेम्पल को वुमेन सबरीमाला के नाम से भी जाना जाता है। इन जम्मू कश्मीर द इंडियन आर्मी इंस्टॉल्ड द टॉलेस्ट आइकॉनिक नेशनल फ्लैग इन विच डिस्ट्रिक्ट? जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने किस जिले में सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया? तो किया ऑप्शन डी डोडा जिले में। ऑप्शन डी डोडा जिला। और वहीं डोडा जिले में इस 100 फीट लंबे आइकॉनिक नेशनल फ्लैग को इंस्टॉल किया गया था, और इसके साथ ही इस फ्लैग को अनफर्ल किए आर्मी डेल्टा फोर्स के मेजर जनरल अजय कुमार जी ने। व्हाट वाज द थीम ऑफ 3rd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? भारत के चुनाव आयोग द्वारा आयोजित 3rd अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या था? तो वो था ऑप्शन डी इंक्लूसिव इलेक्शन एंड इलेक्शंस इंटीग्रिटी। ऑप्शन डी इंक्लूसिव इलेक्शंस एंड इलेक्शंस इंटीग्रिटी। हु इज द फर्स्ट वुमेन IAF ऑफिसर टू गेट अ कमांड अपॉइंटमेंट? कमांड नियुक्ति पाने वाली पहली महिला भारतीय वायुसेना अधिकारी कौन है? तो वो है ऑप्शन बी शलीजा धामी। ऑप्शन बी सलीजा धामी। तो पहला कमांड अपॉइंटमेंट हुआ है इंडियन एयरफोर्स ग्रुप कैप्टन सलीजा धामी जी का, और वो टेक ओवर करेगी फ्रंट लाइन कॉम्बैट यूनिट इन द वेस्टर्न सेक्टर। इसके साथ ही सलीजा जी पहली IAF महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर है फॉर चेतक एंड चीता हेलीकॉप्टर। वहीं इन्हें स्टार्टिंग में कमीशन किया गया था इन 2003 एज हेलीकॉप्टर पायलट, और साथ में इनके पास 2800 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस भी है। हु हैज बिकम फर्स्ट इंडियन अमेरिकन जज एट न्यूयॉर्क कोर्ट? न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश कौन बने हैं? तो वो बने हैं ऑप्शन ए अरुण सुब्रमणियन। ऑप्शन ए अरुण सुब्रमणियन। तो अरुण सुब्रमणियन इंडियन अमेरिकन है, और ये बने हैं पहले साउथ एशियन डिस्ट्रिक्ट जज फॉर सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क। Which country has opened military service to women for the first time in 25 years? किस देश ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा खोली है?
तो ये हुआ है ऑप्शन सी कोलंबिया में, ऑप्शन सी कोलंबिया इसका सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैंडिडेट हैज वन द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन 8th नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड। निम्नलिखित में से किस उम्मीदवार ने 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीता है? तो जीती हैं ऑप्शन डी मिसेस शिप्रा दास, ऑप्शन डी शिप्रा दास। मेघालय सीएम कोनराड सांगमा बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टी? मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल से संबंधित है? तो संबंधित है ऑप्शन बी एनपीपी से, यानी कि नेशनल पीपल्स पार्टी। तो कोनराड सांगमा दूसरी बार लगातार मेघालय के सीएम बने हैं, और इसके साथ ही तिनसोंग और नियो भलांगधर इन्होंने चार्ज लिया है डिप्यूटी सीएम का ऑफ मेघालय। और इसके साथ अगर मेघालय की बात करें तो गवर्नर है फागु चौहान, वहां पे कुल जिलों की संख्या 12 है। वहीं स्टेट असेंबली में 60 सीटें हैं, वहीं वहां के स्टेट असेंबली में कुल सीटों की संख्या 60 है। तो लोकसभा के लिए वहां से 2 सीटें, तो वहीं राज्यसभा के लिए वहां से मात्र 1 सीटें हैं। नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे इज सेलिब्रेटेड इन द मेमोरी ऑफ विच पर्सनैलिटी? राष्ट्रीय फार्मेसी शिक्षा दिवस किस व्यक्तित्व की याद में मनाया जाता है? तो नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे को मनाया जाता है ऑप्शन सी प्रोफेसर एमएल श्रॉफ जी के मेमोरी में। तो सही आंसर ऑप्शन सी प्रोफेसर एमएल श्रॉफ होगा। और वहीं इन्हें फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। हु ऑथर्ड द बुक इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधियन एरा? इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधियन एरा पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है ऑप्शन बी पी ज्योति मणि, ऑप्शन बी पी ज्योति मणि। सैवलॉन इंडिया हैज नेम्ड विच स्पोर्ट्समैन एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट हैंड एम्बेसडर? सैवलॉन इंडिया ने किस खिलाड़ी को दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर नामित किया है? तो किया है ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर जी को, ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर। तो सचिन तेंदुलकर बने हैं दुनिया के पहले हैंड एम्बेसडर, जो हाथ धोने के लिए करोड़ों लोग को इंस्पायर करेंगे। वहीं जो एड चलेगा इस कैंपेन का, उस कैंपेन में आपको सिर्फ और सिर्फ सचिन तेंदुलकर जी की हाथ दिखाई देगी। और वहीं जो ये सैवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन प्रोग्राम है, ये वर्ष 2016 में शुरू हुआ था और इस कैंपेन को आईटीसी द्वारा चलाया जा रहा है। सतीश कौशिक हैज वॉन द फिल्म फेयर बेस्ट कॉमेडियन अवार्ड इन विच ईयर? सतीश कौशिक ने किस वर्ष फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का पुरस्कार जीता है? आप सभी को पता होगा कि इनका हाल में ही निधन हो गया है। और वहीं अगर क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो इनको 2 बार फिल्म फेयर बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड दिया गया था, लेकिन सबसे पहली बार दिया गया था वर्ष ऑप्शन ए 1990 में, ऑप्शन ए 1990 में। और इनको 1990 में मिला था फॉर द मूवी राम लखन, वही दूसरी बार इन्हें मिला था साजन चले ससुराल के लिए। तो 2 बार इन्हें फिल्म फेयर बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड मिला है। तो ये जो क्वेश्चन है आपके लिए है कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नाइजीरिया, नाइजीरिया की राजधानी क्या है? तो इसका सही आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। वहीं इस लेक्चर का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल प्रेपनेशन में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और वहीं अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।